इंदौर शहर के चंदन नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 23 पेटी अवैध शराब जब्त की। चंदन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आईटी पार्क गेट के गार्ड रूम में 4 व्यक्ति अवैध शराब लेकर बेचने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सुनील खारोल, अशोक खारोल और हेमंत राजा को पकड़ा। गार्ड रूम की तलाशी लेने पर उनमें 23 पेटी शराब रखी मिली, जिसे पुलिस ने जब्त किया। आरोपियों का एक अन्य साथी सुभाष मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर ब्यूरो राकेश सचर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना से आईटी पार्क के पास में जो गार्ड रूम बना हुआ था, वहां पर दबिश दी गई, तो उसमें कुल 23 पेटी अवैध देशी शराब की जब्त की गई हैं। ये करीब 1 लाख रुपए कीमती है। इनमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, एक मुख्य आरोपी फरार है। इनके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके इनको सभी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये इसमें एक आईटी पार्क का जो गार्ड का सुपरवाइज़र है हेमंत करके, इसके द्वारा ये दारू गार्ड रूम में रखवाई गई थी। और ये 4 आरोपी मौके पर थे, जिनमें मुख्य आरोपी सुभाष शांति नगर काकड़ का रहने वाला, ये फरार हो गया है। हेमंत के साथ में सुनील और अशोक, इनको गिरफ्तार कर लिया। सर, आरोपी ये शराब कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ से ले जाते? मुख्य आरोपी सुभाष अभी फरार है, जब ये इसकी गिरफ्तारी होगी तब इससे सुनिश्चित हो पाएगा कि ये शराब कहाँ से लेके आए थे और किस साधन से लेके आए। सर, पूछताछ में बता सर, कुछ आरोपी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी प्रकार से कुछ सामने आए हैं? अभी इन आरोपियों के शराब के प्रकरण पूर्व के इनके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं, 1 आरोपी के विरुद्ध, और बाकी 2 अन्य आरोपियों के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।